ड्रोन मिल गया आपका? नहीं नहीं मिला। ठीक है, धूल जा रही होगी इसमें पाइप के अंदर, धूल पूरी गैस चलेगी। राज भाई कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी बाइक स्टार्ट हो गई है। अब बेकर रही कुछ प्रॉब्लम होगी, वो हवा ले गई होगी, हवा भी आ रही है, क्यों जुड़ गया इसका? हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, टाइम हो गया दोपहर के 1:45 और अपनी बाइक खड़ी है इधर, दिखा देता हूँ मैं आपको। बाइक बिल्कुल अभी कपड़ा उपड़ा मार के चैन ल्यूब करके रेडी की है, इधर सारा सामान फैला हुआ है, सामान को करते हैं लोड और फिर यहाँ से निकलते हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन। आज का कोई ठिकाना नहीं है क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा ही हो गया और पता नहीं है अपन कहाँ तक पहुँचेंगे कहाँ तक नहीं। जहाँ तक भी पहुँचेंगे कोशिश करेंगे अच्छे से स्टे हो पाए अपना, और जैसे भी रास्ते का सीन होगा वो आपको बता दूंगा। और भाई अपना ड्रोन तो भाई लॉस हो गया है, हंसी भी आ रही है, थोड़ा दुख भी है, दुख इस वजह से है यार अपन अच्छे अच्छे शॉट्स नहीं ले पाने के, हंसी इसी वजह से आ रही है कि यार किस जंगे आकर के खुआ है। छोड़ो, खैर निकलते हैं गाइस यहाँ से, लेके प्रभु का नाम कर दो काम शुरू। हे भगवान, हमारी इस राइड पे सुरक्षा करना। देख रहे हो, ये वही लोकेशन है जहाँ सुबह हमने पूरी छान मारी, कल रात हमने पूरी छान मारी मगर हमारा ड्रोन नहीं मिल पाया। और लोकेशन दिखाता हूँ मैं, इन्हें कहाँ से उड़ाया था वो, ये इस लोकेशन से उड़ाया था हमने ड्रोन, यहीं कहीं से। अब बार बार पछताने से अच्छा है उसे बीते दिन की तरह भुला दिया जाए। सो भाई, हमारी पल्सर 220 में पेट्रोल ख़त्म हो गया है, पेट्रोल रिफिल करेंगे हिमालयन 452 में से निकाल के, फिर आगे की डेस्टिनेशन कवर करेंगे। भाई देख रहे हो हमारे उस्ताद पाइप भी छोटा सा लेके चले हैं। तो वो है इमरजेंसी, हाँ कुछ ना से तो कुछ सही। इसको इसके दर्द है ना, अब थोड़ा सा खींचो। ठीक है, धूल जा रही होगी इसमें पाइप के अंदर, धूल पूरी गैस चलेगी। ओ भाई, पूरी गैस मुंह के अंदर चलेगी। अभी नहीं आया, डूबी नहीं है। बाइक के अंदर पाइप डाला, पेट्रोल ज़्यादा नीचे होने की वजह से पेट्रोल निकल नहीं पाया। कुछ जुगाड़ लगा रहे हैं, देखते हैं जो कोई जुगाड़ बैठता है तो अपना। वैसे पेट्रोल लगभग 1 से 2 किलोमीटर बता रहे हैं राज भाई, नहीं पे हैं। जो भी सीन होता है, कहते हैं ना किस्मत भरोसे, बस वही चल रहा है अभी तो, किस्मत भरोसे। भाई देख रहे हो क्या जुगाड़ हो रहा है, जो अपने पास पंप था उसका पाइप निकाल के, ये पाइप थोड़ा सा लंबा है तो ये टैंक में आराम से चला जाएगा, इसका जुगाड़ कर रहे हैं। और भैया ये हमें देख रहे हैं, जाम लग गया भाई हमारी वजह से। सो भाई अभी लाया हूँ
जेरी कैन में भर के पेट्रोल ही दिया ना ये, बोला तो मैंने पेट्रोल ही उसको, मैं क्यों पेट्रोल कह रही ना, डीजल हुआ तो और भी अच्छी बात है। क्यों डीजल हुआ था क्या अच्छी बात है इसमें? इसका बेनिफिट क्या है बताओ मेरे को। और कर भी क्या सकते हैं, रुक तो वैसे भी है तो बैठ ले, थोड़ा बोनस मिलता है ना। अच्छी है। सो भाई पेट्रोल डाल लिया है, देखते हैं गाड़ी स्टार्ट होती है नहीं होती है। भाई समझ में नहीं आ रहा यार, ये मेरा बैड लक है या मेरा सरवाइव टाइम। उधर उसकी भाई की बाइक नहीं ठीक से काम कर रही, इधर भाई नुकसान पे नुकसान हो रहा है। सबसे पहला नुकसान हुआ अपना 1500 रुपये का, ओवर स्पीड का चलान कट गया। चलो यहाँ तक देखा जाता है। कल अपना ड्रोन खो गया, सबसे बड़ा नुकसान ये। आज राइड पे निकले तो राइड पे भी चलते वक्त इनकी बाइक प्रॉब्लम करने लग गई। एक तो चलो यार नुकसान, ऊपर से टाइम भी बर्बाद हो रहा है बहुत ज़्यादा। फाइनली भाई बाइक की स्टार्ट हो गई, थोड़ी सी खुशी की बात है। राज भाई कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी बाइक स्टार्ट हो गई है। अब भी कर रही है कुछ प्रॉब्लम होगी, वो हवा ले गई होगी। हवा भी आ रही है, फ्यूज उड़ गया था इसका। फ्यूज कौन सा उड़ गया? अच्छा हाँ मीटर ऑफ है, चलो कोई नहीं चेक करना। भाई खतरनाक वाला जाम लग चुका है यहाँ पे। रोल मिल गया आपका? नहीं भाई, इनको किसने बताया ड्रोन के बारे में? भाई हमारे ड्रोन का लो HP के लोगों को भी पता चल गया। ऐसे यहाँ की बात वहाँ पे बहुत जल्दी पहुँच जाती है इस लोकेशन में। भाई उस जाम से तो निकल के, बहुत लंबा जाम था, 6 बज गए हैं और देख रहे हो भाई बारिश कैसे पड़ रही है। ओ माय गॉड भाई कितनी खड़ी चढ़ाई है भाई। ओ भाई देखो भाई नज़ारे, इसको बोलते हैं नज़ारे, सुंदर सुंदर नज़ारे। बस राज भाई ने बाइक अड़ा दी थोड़ा सा, कोई नहीं हम बाइक को पार करके दिखाएंगे आपको। भाई दिख रहा है कितना सुंदर नज़ारा, उधर सनसाइड हो रहा है। क्या ना गर्मी, सर्दी लग रही है हल्की हल्की हत्तों को। भाई राज भाई यार बादल क्या सुंदर लग रहे हैं यार। भाई देख रहे हो ऐसे ऐसे नज़ारे देखने के लिए ऐसी ऐसी रोड भी देखना पड़ता है भाई। भाई देख रहे हो ऐसे ऐसे नज़ारे देखने के लिए ऐसी ऐसी रोडों से गुजरना पड़ता है। सो भाई टाइम हो रहा है रात के 8 बजने में 20 मिनट। बाइक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही है यार, बहुत ज़्यादा। अभी अभी हम सिर्फ बाइक के ऊपर ही हैं, ना कहीं रुके, ना कुछ खाने का, ना कुछ पीने का। मैंने तो एक एप्पल खा भी लिया था, भाई ने तो कुछ भी नहीं खाया यार। बाकी जेरी कैन में पानी भर लिया हमने, कैंपिंग करेंगे किसी साइड।
भाई टाइम हो रहा है रात के 11, और जस्ट अभी बाइक रोक के साइड में टेंट लगा के मैगी बनाई। थक बहुत ज़्यादा गए थे जिसकी वजह से ठीक सा खाना नहीं बनाया। बाकी तो गाइस आज का सीन बहुत ही ज़्यादा टफ था, तो वीडियो एंड करूँगा अब क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। बाकी का नज़ारा मैं आपको दिन में दिखाऊंगा, टेंट कहाँ पे लगा रखा है और टेंट के सामने की लोकेशन कैसी है। वैसे अपनी सामने ना एक रिवर चल रही है, उसका साउंड आ रहा है मेरे को। गाइस वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल सब्सक्राइब करना, जितना ज़्यादा हो सकता है वीडियो को शेयर करना। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। भाई रात रुके थे अपन यहाँ पे, दिख रहा होगा, और नींद तक कुल मिला के ठीक ठाक ही आई। बाकी टेंट के अंदर इतना सारा भभका हो रहा था बहुत ज़्यादा यार। हमने स्लीपिंग बैग भी ओपन नहीं करा, दिखाता हूँ मैं आपको। ये दिख रहा है स्लीपिंग बैग, दोनों के दोनों पैक पड़े हैं। नॉर्मली बिना स्लीपिंग बैग के ही सोए हम। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस आज का दिन कुछ इस तरह शुरू हो रहा है हमारा, दिख रहा होगा जस्ट अभी अभी सो के उठे हैं, और बाहर का नज़ारा अच्छा है। वैसे अपने सामने एक नदी भी है, दिखाता हूँ मैं आपको। ओ भाई नदी का फ्लो बहुत हाई में है भाई, दिख रहा है ना कितना अच्छा खासा फ्लो है भाई। सो भाई अभी उठे हैं, कुछ बनाएंगे खाने पीने के लिए, फिर देखते हैं आगे की डेस्टिनेशन क्या है हमारी।